जनवरी में आ सकता है MPPSC का रिजल्ट। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मेरिट में आए तो अनारक्षित में होंगे शामिल, सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के परीक्षा नियम में संशोधन को निरस्त करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मेरिट में आएंगे तो उन्हें अनारक्षित में शामिल किया जाएगा। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय शुक्ला की उबल बेंच में सरकार की ओर से इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया है। इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 दिसंबर तक की है। मामले में कर्मचारी संगठन अपाक्स सहित 47 याचिकाएं लगाई गई हैं। आरक्षण के सामान्य से नियम का पालन नहीं किया। याचिकाओं में कहा गया कि परीक्षा नियमों में संशोधन के जरिए मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में शामिल करने का प्रावधान दिया गया है, जबकि सामान्य नियम नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा और अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने तर्क दिया कि इससे PSC की परीक्षाओं में आरक्षण 113% हो गया। MPPSC 2019-20 की परीक्षा का रिजल्ट अब तक घोषित नहीं हो पाया है। आरक्षण के इस पेंच के समाप्त होने के बाद अब उम्मीद है कि जनवरी तक परीक्षा परिणाम घोषित हो सकता है। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर MPPSC भर्ती परीक्षा नियम 2015 को चुनौती दी गई है। इस नियम के तहत आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग में नहीं चुने जा सकते। इस नियम को याचिकाकर्ताओं ने संविधान के खिलाफ बताया था। हाई कोर्ट ने पहले मामले पर सुनवाई करते हुए PSC भर्ती को अपने अंतिम निर्णय के अधीन कर लिया था। इसके चलते अब तक रिजल्ट घोषित नहीं किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।